बहुत समय पहले परी देश में ईना, मीना, डीका नाम की तीन परी बहनें रहती थी। तीनों बहुत ही आलसी और कामचोर थी। एक दिन वो तीनों अपने घर के पास वाले गार्डन में बैठकर आराम कर रही थी कि तभी मीना के मोबाइल पर उनकी माँ का फोन आता है। सुनो लड़कियों, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर तैयार कर लिया है, जल्दी से घर आ जाओ। माँ ने हम तीनों के लिए सूप बनाया है और वो हमें घर बुला रही हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल हिलना नहीं चाहती। चलो एक काम करते हैं, हम तीनों अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से सूप को हवा में उड़ाकर यहाँ ले आते हैं। उसके बाद वो तीनों अपनी जादुई छड़ी को उठाकर मंत्र पढ़ने लगती हैं और अगले ही पल उनके घर में रखा सूप का बर्तन हवा में उड़कर उनकी ओर आने लगता है। उसी वक्त रास्ते से रानी परी की सवारी गुजर रही थी, तभी अचानक सूप का बर्तन रानी परी के सर से टकरा जाता है और गर्मा गर्म सूप रानी परी के शरीर पर गिर जाता है। ये देख रानी परी गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे, अचानक ये गर्म सूप मेरे ऊपर कैसे गिर गया? ये किसकी हरकत है? जिसने भी ये किया है, मेरे सामने आकर अपनी गलती कबूल करो, वरना उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। ये देख तीनों परियां घबरा जाती हैं। तभी रानी परी अपनी पर्स से जादुई गोला निकालकर उसमें सब कुछ देख लेती है। उसके बाद रानी परी उन तीनों बहनों के पास पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये तुम तीनों की हरकत है। हमें माफ कर दीजिए रानी परी, हमें बहुत भूख लगी थी, इसीलिए हम अपने घर में रखा सूप अपने पास लाकर पीना चाहते थे। सच में तुम तीनों बहुत ही आलसी हो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरा शरीर जल गया, अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। तभी वहां उन तीनों की माँ नीलम परी आ जाती है। हाँ रानी परी जी, आप इन्हें सजा दीजिए, ये तीनों बहुत ही आलसी और कामचोर हैं। ये तीनों हर वक्त बैठकर सिर्फ खाना खाती हैं, मैं इन तीनों से तंग आ चुकी हूँ, अब आप इन्हें सही रास्ते पर ला सकती हो। तुम चिंता मत करो, इन तीनों की अकल ठिकाने लगाऊंगी मैं। उसके बाद रानी परी उन तीनों की जादुई छड़ी छीन लेती हैं और उन्हें पृथ्वी की एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए भेज देती हैं। उस रेस्टोरेंट की मालकिन कोमल रानी परी की अच्छी सहेली थी। कोमल तीनों को रेस्टोरेंट में वेटर का काम पर लगा देती है। तभी वहां एक आदमी अपने परिवार के साथ आता है और वो उन तीनों को बिरयानी का ऑर्डर देता है। तीनों बहनें बिरयानी लेने रसोई घर में चली जाती हैं, लेकिन वहां मौजूद बिरयानी की खुशबू से उन तीनों के मुंह में पानी आ जाता है और वो तीनों बिरयानी उठाकर खाने लगती हैं। फिर भरपेट बिरयानी खाने के बाद वो तीनों वही फर्श पर लेटकर आराम से सोने लगती हैं। दूसरी तरफ काफी देर इंतजार करने के बाद उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे ये सब क्या चल रहा है, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और अभी तक मेरी बिरयानी नहीं आई। फिर वो आदमी शिकायत करने कोमल के पास पहुँच जाता है। कोमल फौरन रसोई घर में पहुँच जाती है। उन तीनों बहनों को आराम से फर्श पर सोते हुए देख कोमल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और रानी परी की दी हुई जादुई छड़ी से उन तीनों को बिजली के झटके देने लगती है। तभी तीनों बहनें हड़बड़ाकर नींद से जग जाती हैं। तभी कोमल जादुई बिल्ली को वहां बुला लेती है और उसे बिजली के झटके देने वाली जादुई छड़ी पकड़ा देती है। मेरी बात ध्यान से सुनो बिल्ली, तुम साए की तरह हर वक्त इन तीनों के पीछे रहोगी और जब भी ये आलस करने की कोशिश करें तब तुम इन्हें बिजली के झटके दे देना। ये सुनकर बिल्ली बहुत खुश होती है। उसके बाद जब भी वो तीनों बहनें आलस करती तो वो बिल्लियों ने बिजली के झटके दे देती थी। बिजली के झटकों के डर से वो तीनों बहनें थोड़ी देर भी आराम नहीं करती थी और लगातार काम करना जारी रखती हैं। फिर रात होते ही वो तीनों बहनें कोमल से खाना मांगने लगती हैं, लेकिन कोमल उन्हें खाना देने से इनकार कर देती है।
इस तरह दो दिन बीत जाते हैं और कोमल उन्हें अनाज का एक दाना भी नहीं देती। बस बहुत हो गया, तुमने हमें समझ क्या रखा है, दो दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। अगर तुम हमें खाना नहीं दोगी तो हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें पेट भर खाना खिलाती हूँ। इतना कहकर कोमल बिरयानी का एक बड़ा बर्तन उठाकर अपनी स्कूटर के पीछे बांध देती है। तुम तीनों ने मुझे पकड़ लिया तो ये बिरयानी तुम खा सकती हो। इतना कहकर कोमल स्कूटर चलाने लगती है। ये देख तीनों बहनें उसका पीछा करने लगती हैं। फिर कोमल स्कूटर की रफ्तार बढ़ा देती है और वो तीनों बहनें उसका पीछा तेजी से दौड़ने लगती हैं। इस तरह कोमल उन्हें 5 किलोमीटर दूर तक दौड़ाने के बाद स्कूटर रोक देती है। ये देख तीनों बहनें खुश हो जाती हैं और बिरयानी का बर्तन उठाकर बिरयानी खाने लगती हैं। इस तरह कोमल रोज उन तीनों को कई किलोमीटर दौड़ाने के बाद खाना दिया करती थी। धीरे धीरे उन तीनों बहनों को रोज दौड़ की आदत पड़ जाती है और कुछ ही दिनों में उन तीनों के शरीर से आलस पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो तीनों बहुत ही फुर्तीली बन जाती हैं। उसके बाद वो तीनों बहनें रोज सुबह उठकर दौड़ लगाना शुरू कर देती हैं और रेस्टोरेंट पर बिना थके सारा काम भी करने लगती हैं। उन तीनों में आया परिवर्तन को देख कोमल बहुत खुश होती है। अब तुम तीनों में जरा भी आलस नहीं बचा, तुम तीनों बहुत ही फुर्तीली बन गई हो, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने परिदेश लौट जाओ। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने हमें एक नई जिंदगी दी है, हम तीनों बहनें आपकी दी हुई सीख जिंदगी भर याद रखेंगी। तो आपने देखा दोस्तों तीन आलसी परियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस और कामचोर लोगों को कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए हमें कभी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए और बल्कि मन लगाकर काम करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।